सलाम वालेकुम गुड्डू भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या बना रहा है आज अपन? चिकन पेशावरी। चिकन पेशावरी, वाह। शनिवार को चिकन का आइटम बनता है ना अपने रोज। आने वाले चिकन का आइटम बन रहा है। हमने मटन की बहुत सारी दिखा दी गुड्डू भाई के, आज आपको दिखाएंगे पेशावरी चिकन। ये सिगड़ी जल चुकी है, कोयले डल चुके हैं, गुड्डू भाई की सिपरी भी आ गई। कितना तेल डालना है? हाँ भाई, कितना तेल डालेगा इसके अंदर? इसमें 3 किलो सामने। अच्छा, कितने किलो की बना रहा है अपन? 8 किलो चिकन है जी, और 15 किलो की ग्रेवी। 15 किलो की ग्रेवी है, 8 किलो चिकन है। और इससे हाँ तेल गर्म हो गया, अब ये तेज पत्ता और नमक डाल दें। तेज पत्ता और नमक डालेगा, ये मोटा नमक तेज पत्ता से हो गया। क्या चिकन भाई? ये प्याज चालू भाई, ये हरे वाले प्याज आते हैं ना, पत्ते वाले प्याज, पत्ते वाले प्याज है। वो पीस के मुझे अच्छी तरह से प्याज को अपन है ना भून रहे हैं। हाँ, ये पानी इसका खत्म हो जाए, थोड़ा गरम मसाला भी ऐड करेंगे साथ में, तो इसमें बोल दूँ। अच्छा, अरे वाह, ये गुड्डू भाई के देखो साफ से शब्दों में कहना है, ये गरम मसाले आ गए। प्याज से ना प्याज उसको अच्छी तरह से भुना जा रहा है। मैंने जो प्याज की बुनाई है गुड्डू भाई, यही टाइम प्याज का पानी हो गया खत्म, अपने प्याज का पानी खत्म हो गया। अच्छा, लहसुन ऐड हो रहा है इसके भाई। ये लहसुन आ गया भाई, कितना लहसुन लिया अपने? ये 800 ग्राम है सनू, 800 ग्राम लहसुन लिया इसके अंदर। ये देखिए साहब, माशाल्लाह दही भी आ गया भाई। कितना दही लिया? 3 किलो सनू, 3 किलो दही। वाह, किसी भी चीज़ में घेरोगे ना पानी तो तेल पहले ऊपर आएगा। नॉलेज इसमें भी जो मसाले डालेंगे ना अपने पेशावरी में जी, ये अलग ही है। इसमें अब हल्दी नहीं है, मिर्ची नहीं है, धनिया नहीं है भाई। हल्दी मिर्ची धनिया कुछ नहीं, मसाले कैसे? बस ये भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। वाह, छुपाएंगे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छुपाएंगे, अब आप खुद बताई जाएंगी भाई। चिकन ऐड हो रहा गुड्डू भाई? हाँ, ये 8 किलो चिकन है, 8 किलो चिकन ऐड हो रहा है इसके अंदर। वाह, रंग देखो आप। अच्छा, जो अपने ग्रीन गोश्त बनाया था उसकी तरह रंगत आ रही गुड्डू भाई इसकी? इसकी रंगत वाइट में आएगी थोड़ी सी। अच्छा, देखो अभी ग्रीन देखा, वाइट में आएगी। ये तो ये मोटी मिर्ची थोड़ी और लहसुन साबुत, साबुत लहसुन और मोटी मिर्ची साबुत। अच्छा, मोटी मिर्ची भी आपने साबुत डाली है? हाँ, ये धो के डालता हूँ मैं जी। ये देखो अदरक ऐड हो गई कितने तक अपने गुड्डू भाई का? अब मसाला भी ऐड करेंगे इसमें अपन। अभी हाथों हाथ ही मसाला आ गया गुड्डू भाई, क्या क्या चीज़ें हैं? अब लोग बाग देख रहे होंगे, ये धनिया है जी, नहीं शानू भाई, ये सौंफ है पीसी। अच्छा, सौंफ है। हाँ, और इसमें काजू भी है पिसा हुआ, खसखस भी है, जीरा भी है। सौंफ, काजू, खसखस और जीरा। हाँ, ये चारों चीज़ें हैं। देखो बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना गुड्डू भाई, आज आपके सामने सारी चीज़ें। कोकोनट पाउडर भी है इसमें? अच्छा, 10 ग्राम से, 10 ग्राम के हिसाब से आप कोकोनट पाउडर भी ऐड कर लेना 1 किलो का। वाह, क्या फ्लेवर आएगा, क्या खुशबू आ रही है, हो रही है के लिए। देखो खाली कलर के लिए हो रहा है, आएगी और अदरक का लच्छा आएगा, अदरक का लच्छा। आपने देखा होगा पेशावरी हांडी बनाते रहते हो, ऊपर से सूखा घेरते बस जी, बाकी अदरक भी थोड़ी पकनी चाहिए। और बट्टी पर से आप क्या डाला गुड्डू भाई? ये लाल मसाला, ये लाल मसाले, और लाल मसाला डालते जो खुशबू आती ना उसकी भी बात ही अलग होती है। ये तैयार हो चुकी है हमारा पेशावरी चिकन। धनिया और मिर्ची, तो मिर्ची ऐसी रहेगी उतरने के बाद डाली आपने? हाँ, तो इसका फ्लेवर ऐसे आएगा क्या? और बहुत ही शानदार जो लुक आया इसका, बहुत अच्छा कलर आया।